नमस्कार दोस्तों, ये हमारी 2017 के जो यूपीएससी का प्रीवियस प्रीलिम्स पेपर है उसकी लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लास्ट के 10 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन ट्रिक और स्मार्ट गैसिंग का यूज करेंगे। अगर दोस्तों हमारा 91 क्वेश्चन है, यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत रखा जाता है तो इसका क्या अर्थ होता है। हमारे राइट आंसर देखें क्या है, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 है, इसे संरक्षण का वही क्षेत्र प्राप्त होता है जैसे बाघ को प्राप्त होता है। इसका अब वन्य क्षेत्रों में अस्तित्व समाप्त हो गया है, कुछ प्राणी बंदी संरक्षण के अंतर्गत हैं और अब इसके विलोपन को रोकना असंभव है, यह भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानिक है। डी हमारा इनमें से बी और सी दोनों से ही है, लेकिन इसका राइट आंसर, अगर आपको पता है कि अनुसूची 1 में जो शामिल होते हैं उसको हाई सिक्योरिटी प्राप्त होती है, वही सिक्योरिटी प्राप्त होती है जो बाघ को दी जाती है। इसका राइट आंसर 1 आएगा, ए आएगा। हमारा 92 क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है। हमारा ऑप्शन 1 है, विधि और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषयों में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रसंगत करने का न्यायपालिका का अधिकार, और न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार, और न्यायपालिका का तथा समान भिन्न वादों में पूर्व के दिए गए निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ होता है, अगर कोई विधायिका या कार्यपालिका कोई कानून बनाती है या कार्यपालिका कोई अध्यादेश जारी करती है, उसकी संवैधानिकता के प्रश्न को आंकलन करती है, ये संवैधानिक दृष्टि से सही है या गलत है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ए, 92 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटना को कालक्रम के अनुसार सजाना है कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल फैक्चुअल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो तभी कर सकते हो वरना नहीं। अगर हम देखें थोड़ा सा स्मार्ट गैस यूज करें, हमको ये पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और रॉयल इंडियन नेवी गदर होता है 1940 में। अगर हमको पता है तभी हम इसको कर सकते हैं। इसके अनुसार देखें तो इसका राइट आंसर हो सकता है 3-2-1, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपको याद नहीं है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ तो वो हमारे क्वेश्चन के गलत होने के चांस बिल्कुल ज़्यादा हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आया, ये आपको जो फैक्ट हैं वो याद रखने ही होंगे। नेक्स्ट हमारा 94 का है, पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई। इसमें एक ट्रिक है, एलिमिनेशन है, जो सामान्यतः सही ही होती है। मैंने सदा सही नहीं कहा, सामान्यतः सही कहा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप उसको स्मार्ट ट्रिक को यूज कर सकते हो। इसमें एक शब्द है सतत वृद्धि, कंटिन्यूसली वृद्धि, अगर ये शब्द आपको अंग्रेजी में देखना तो अच्छा रहेगा। 94 क्वेश्चन देखें, इंक्रीज इन द टैक्स रेवेन्यू एज ए परसेंट ऑफ GDP ऑफ इंडिया हैज स्टीडली, जो ये शब्द होता है स्टीडली शब्द, इस शब्द वाला स्टीडली कम्प्लीटली जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं वो सामान्यतः गलत होते हैं। दोनों में स्टीडली है तो सामान्यतः ये गलत ही होंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, राइट आंसर होगा डी। हमारा 95 क्वेश्चन है, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास में निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किया। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि गुजरात के कुछ शेरों को किस स्थान पर स्थानांतरित किया। अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा है तभी आप इसको सही कर सकते हो। ये मध्य प्रदेश के एक वन्य जीव अभयारण्य है, कुन्नो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है, MP में, यहाँ पर स्थानांतरित किया। अगर आप देखें सर इसका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। अगर आप देखें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। अगर आप देखें मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद भी रखने हैं और इसका ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है। देखो, पहला तो आपको ये याद रखना कि आवश्यक है या नहीं है, तो नहीं पूछा है। अगर राष्ट्रपति घोषणा लागू होती है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो कौन सी आवश्यक नहीं है? हमारा ऑप्शन होगा राज्य विधानसभा का विघटन, पहला ऑप्शन। दूसरा है राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना। तीसरा है स्थानीय निकायों का विघटन। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो हमको ये ज़रूर पता है कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जो मंत्रिपरिषद होती है वो हट जाती है, अर्थात वो मंत्रिपरिषद काम नहीं करती। इसका मतलब ये तो होता ही होता है। अगर हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा आंसर ये आ जाता है, मतलब दो वाला, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका हमारा राइट आंसर होगा बी। अगर हम देखें राज्य विधानसभा का विघटन, ये आवश्यक नहीं होता क्योंकि राज्य विधानसभा विघटन में दोबारा चुनाव कराने पड़ते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि राष्ट्रपति शासन तो साल में एक बार हर साल भी लग सकता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। स्थानीय निकायों का विघटन, ये भी नहीं हो सकता कि पंचायतों का चुनाव दोबारा ही हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? देखो, हमको ये पता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किसके तहत है, अनुच्छेद 23 और 24 के तहत। अनुच्छेद 23 और 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार है। भारतीय देह व्यवहार और बंधुआ मजदूरी बेगार, ये निषेध, ये शोषण का अधिकार के तहत आता है। इसका मतलब हमारा एक तो आएगा, दूसरा अस्पृश्यता का उन्मूलन। लेकिन हम अगर बेसिक नॉलेज से देखें तो अस्पृश्यता का आंदोलन हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में है, इसका संबंध शोषण के विरुद्ध अधिकार से नहीं है, ये समानता के अधिकार से संबंधित है। तो इसका अगर दो को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा आंसर ही आ जाता है, तो हमारा आंसर राइट आंसर होगा 1 और 4। अगर ये देखें ऑप्शन 3, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का अधिकार, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा धार्मिक सुरक्षा से संबंधित अधिकार जो 29 और 30 के तहत है, उससे संबंधित आएगा। इसका मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार भी नहीं आएगा। हमारा कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये आर्टिकल 24 में है और ये आर्टिकल 23 में। इसका 1 और 4 दो ही ऐसे हैं जो शोषण के विरुद्ध अधिकार को संदर्भित करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? अगर आप मैप को बार बार देख रहे हैं तो आपके लिए आसान होगा। हमको पता है ये इंडिया है और ये है अंडमान निकोबार, यहाँ पर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का ये पार्ट होता है सुमात्रा, उसके बाद जावा। इसका मतलब सुमात्रा सबसे नज़दीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है और आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप मैप पर बार बार नज़र डालते रहें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार को अंतरिक्ष सिद्धांत को व्यक्त करता है। इसका मतलब क्या पूछा इसने, मंत्रिमंडल स्वरूप या सरकार की विशेषता कौन सी है? इसमें से पहला ऑप्शन हमारा ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था, और मंत्रिमंडलीय सरकार की क्या क्या विशेषता है, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व तो जटिल हैं, उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए सभी संसदीय लोकतंत्र की एक कार्यविधि। इसका मतलब क्या है, जो हमारी संसदीय प्रणाली है इसमें क्या है, जो सरकार है जनता के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है, ये हमारी हमारी उसकी विशेषता भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, जो हमारी संसदीय सरकार है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है जनता के प्रति, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को ही सुनिश्चित करती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और 2017 के प्रीलिम्स पेपर का, निम्नलिखित में कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? मैंने आपको कहा है क्वेश्चन में ध्यान से पढ़े, नहीं है या है, ऑप्शन है। तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं है संघीय राज्य की? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। देखो, हमको पता है संघवाद क्या होता है, संघवाद होता है जिसमें केंद्र और राज्य को शक्तियों का सही से विभाजन होता है। अब पहला तो आएगा नहीं, दूसरा
संघ संबंध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच में एक सहमति का परिणाम है। देखो हम इनको पता है जो भारतीय संघवाद है सहमति का परिणाम नहीं है, अर्थात राज्य अलग नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट ही गलत लग रहा है, क्योंकि जो भारतीय संघ है सहमति का परिणाम नहीं है। जिस प्रकार अमेरिका में 50 स्टेट हैं वो सहमति का परिणाम है, लेकिन भारत में सहमति का परिणाम नहीं है। बाकी जो तो तीन विशेषताएं हैं, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जो राज्य और केंद्र दोनों के अधिकारों को संरक्षित रखती है, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद को समाधान के लिए उन शक्तियों का विभाजन है, और संघवाद होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तीनों विशेषताएं संघवाद की हैं। दोस्तों आज हमारा 2017 का पेपर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने कुछ एलिमिनेशन ट्रिक, कुछ बेसिक नॉलेज और कुछ स्मार्ट गैस द्वारा पेपर को हल करने की कोशिश की है। तो मैं आपको दोबारा फिर कहता हूँ, पहले आपकी नॉलेज काम करेगी, बाद में एलिमिनेशन ट्रिक, क्योंकि एलिमिनेशन और स्मार्ट गैसिंग के बिना पेपर के कट ऑफ तक पहुँचना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।